नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सिंगाड़े के आटे की रेसिपी बताने वाली हूं, जो स्पेशली नवरात्रि के व्रत के लिए लाई हूं। आप इस स्वीट्स को जरूर ट्राई करें। इस स्वीट्स का नाम काची है, व्रत में खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए काची बनाना शुरू करते हैं। एक प्लेट काची बनाने के लिए चाहिए 250 ग्राम सिंगाड़े का आटा, 150 ग्राम गुड़, 2 से 3 चम्मच शुद्ध देसी घी, नारियल बूरा, बादाम 8 से 10 काजू, एक पिंच काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, एक गिलास दूध, आधा गिलास पानी। बादाम और काजू को कद्दूकस करके रख लें। देखिए इस तरीके से कुछ को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लिया है। अब सिंगाड़े के आटे को भूनना है। इसके लिए ध्यान रखें, आप स्टील के बर्तन या कढ़ाई का यूज ना करें, क्योंकि स्टील के बर्तन में ये जब सिंगाड़े के आटे को भूनते हैं तो नीचे से जल जाता है। आप इसके लिए सिल्वर या नॉनस्टिक कढ़ाई या बर्तन का ही यूज़ करें। इस सिंगाड़े के आटे को भूनेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम में, ध्यान रखें इस बात का। 2 मिनट बाद इसमें 2 चम्मच के समथिंग शुद्ध देसी घी को ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में मिनिमम 5 से 10 मिनट तक के लिए भूनेंगे, जब तक इससे खुशबू नहीं आने लगेगी और ये ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको यदि अच्छी काची बनानी है तो इस वीडियो में कुछ खास टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी काची हमेशा स्पेशल ही बनेगी। इसे आप बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही भूनें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और कंटिन्यू चम्मच से चलाते रहें, क्योंकि ये नीचे से जल भी सकता है। इसे भूनने में टाइम लगता है, इसे हल्का ब्राउन होने तक ही भूनें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, नेक्स्ट वीडियोज़, उनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, बढ़िया भुन गया है। देखिए इस तरीके से भुने, जब ये अच्छे से भुन जाता है तो इससे अच्छी खुशबू आने लगती है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब तक सिंगाड़े का आटा ठंडा हो रहा है, तब तक इस गुड़ को पानी में घोल लेते हैं। यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है इसमें। ये देखिए ये गुड़ फूट नहीं रहा है। 5 मिनट से पानी में डालकर रखा है गुड़, तब भी नहीं घुला है। देखिए मेरा गुड़ घुल नहीं रहा है, तो इसके लिए इसे थोड़ा सा गर्म किया है। मुझे नवी मुंबई में इस तरीके का ही गुड़ मिला है। गर्म करने पर यह घुल गया है। यदि आपके पास गांव का गुड़ है तो और भी अच्छा बनेगा। गुड़ को पानी में घुलने पर गुड़ में जो भी कचरा रहता है वह दिखने लगता है। आप इसे छानकर यूज करें। इसे कढ़ाई में डाल दें। ध्यान रखें अभी गैस ऑन नहीं करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। इसमें एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालें। ये ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं डालना है तो ना डालें। इसमें दूध का जरूर यूज करें, दूध डालने से काची बहुत ही अच्छी बनती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद ही गैस ऑन करें। गैस को बिल्कुल स्लो में रखना है, ना ही मीडियम रखना है और ना ही तेज, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें काजू बादाम आप काट कर भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ मैंने कद्दूकस किया है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और बिल्कुल इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रहेगा। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे
जैसे जैसे ये टाइट होता है, चम्मच से चलाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। इसे इस तरीके से चलाते रहें। ये काची बनकर तैयार है। एक प्लेट में थोड़ा सा घी लें, घी को प्लेट में अच्छे से लगा लें, इसे प्लेट में डाल दें और अच्छे से फैला लें। आप इस काची को हल्का लिक्विड भी रख सकते हैं, बर्तन में डालने पे ये बर्तन का शेप ले लेती है। ये काची बर्तन का अच्छा शेप ले ली है, जम गई है। आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से डेकोरेट किया है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे इस तरीके से काटें। इसे कट कर लिया है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इसके पीस आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से टूटते भी नहीं है। अब इसे आप फास्ट में खाइए, नॉर्मल भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए काची बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप भी जरूर ट्राई करें बनाकर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।